नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। महाराष्ट्र में भाजपा जीती, बीएमसी में शिवसेना शीर्ष पर। भाजपा गुरुवार को महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में शानदार जीत हासिल करते हुए राज्य के 10 नगर निगमों में से 8 में से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि शिवसेना के गढ़ मुंबई में वह दूसरे स्थान पर रही। पार्टी उल्लासनगर, नाशिक, पुणे, पिंपरी चिंचवड़, सोलापुर, अकोला, अमरावती और नागपुर में शीर्ष पर रही, जबकि मुंबई और उसके लगे ठाणे में शिवसेना पहले स्थान पर रही। शिवसेना के किले ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका में बड़ी सेंध लगाते हुए भाजपा ने 82 सीटें जीती। शिवसेना के खाते में 84 सीटें आई, लेकिन दोनों ही 114 के जादुई आंकड़े को छूने में असफल रहे। मुंबई में खंडित जनादेश से राजनीतिक गणनाएं बदल सकती है, क्योंकि कोई भी दल अपने बूते देश के सबसे धनी नगर निकाय पर शासन करने की स्थिति में नहीं है और गठबंधन होना अपरिहार्य लगता है। हालांकि साफ नहीं कि केंद्र एवं महाराष्ट्र दोनों ही जगह सत्ता साझा करने वाले भगवा दल हाथ मिलाएंगे या नए गठजोड़ सामने आएंगे। मतगणना में मुंबई में कांग्रेस 31 सीटों के साथ तीसरे, राकपा 9 सीटों के साथ चौथे और मनसे 7 सीटों के साथ पांचवें स्थान पर रही। वहीं पहली बार इस निकाय चुनाव में उतरी AIMIM को 3, समाजवादी पार्टी को 6, अखिल भारतीय सेना को 1 सीट मिली, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में 4 सीटें आई। 25 जिला परिषदों में भाजपा 1509 सीटों में से 397, राकपा ने 336, कांग्रेस ने 293, शिवसेना ने 259, मनसे ने 1 और अन्य 147 सीटें हासिल की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मतदाताओं का आभार जताते हुए कहा कि हमारी जीत जनता द्वारा पारदर्शिता के हमारे एजेंट को स्वीकारने का नतीजा है। उन्होंने साथ ही संकेत दिया कि उनकी पार्टी की कोर समिति अपने सामने मौजूद विकल्पों पर ध्यान देगी। आगे की नीति को लेकर सवाल पूछे जाने पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि क्या जल्दी है, थोड़ा इंतजार कीजिए। हमने अब तक गठबंधन बनाने या न बनाने को लेकर फैसला नहीं किया है, हम जल्द ही ऐसा करेंगे। बीएमसी चुनाव में कोई स्पष्ट विजेता सामने न आने से भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि दोनों दलों को मुंबई में हाथ मिला लेना चाहिए। और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अमेरिका में भारतीय की गोली मारकर हत्या। शिल्पा शेट्टी स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर, फ्रीडम 251 फोन के प्रबंध निदेशक मोहित गोयल पुलिस हिरासत में। किम जोंग नाम की हत्या में जहरीले रसायन का इस्तेमाल, कहा मलेशिया पुलिस ने। पनामा लीक मामले में फैसला सुरक्षित, नवाज शरीफ की सियासी किस्मत अधर में।